नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्यानंद है और ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहां मैं टेक के वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि गूगल क्रोम के अंदर अगर कभी भी हम उसको बंद कर देते हैं तो ऑलरेडी जो मेरा टैब खुला हुआ है उसको प्रीव्यू टैब बोलते हैं ऑटोमेटिक कैसे ओपन हो। इसके लिए गूगल क्रोम में सेटिंग करनी होती है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पहले क्रोम खोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक में गूगल खोल लूँ, एक में याहू खोल लूँ और एक में मैं रेडिट खोलूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सेटिंग कर देता हूँ ताकि इसको मैं कभी भी अगर मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो ये ऑटोमेटिक तीनों टैब ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, ऑन द स्टार्टअप पे क्लिक करना है, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से बंद कर देना। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन किया और आप देख सकते हैं कि हमारे ये तीनों टैब ओपन हो गए। तो इस तरह से आप गूगल क्रोम का सेटिंग कर सकते हो और उसको आप जब कभी भी क्लोज करोगे ना तो आपका प्रीव्यू टैब जितने भी विंडो खुली होगी सब आपका ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों से कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।